हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवज स्मार्ट न्यूज़। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नकाबपोश के पास कितने ज़्यादा पावर्स हैं और कौन कौन सी पावर्स हैं, और वो ज़्यादा बालवीर के रूप में पावरफुल होता है या फिर नकाबपोश के रूप में। दोस्तों, इनमें से आप बहुत सी बातें नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लाता हूँ जिस टॉपिक पर बहुत से ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं और जिसके बारे में कोई ना जानता हो। नकाबपोश, ये नाम आपने बालवीर टर्म्स में कई बार सुना होगा और आप भी बालवीर के इस रूप को नकाबपोश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऐसे समझ लें नकाबपोश बालवीर की एक परछाई है। जहाँ पर बालवीर को अपना चेहरा छुपाना होता है तो वहाँ पर नकाबपोश बन जाता है, ताकि उसको कोई पहचान न सके। अगर ऐसे ही बालवीर अपने चेहरे पर मास्क लगा जाएगा तो लोग उसको बड़ी आसानी से उसकी कस्ट्यूम से पहचान लेंगे। तो इसलिए बालवीर को जब कोई ऐसे मिशन पर जाना होता है जहाँ पर वो अपना चेहरा ना दिखाए, तो अपनी आवाज, अपना कस्ट्यूम सब कुछ ही बिल्कुल चेंज कर लेता है, जिससे उसको कोई पहचान ना सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि नकाबपोश के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। दोस्तों, जब नकाबपोश बालवीर के रूप में आता है तो उसको बहुत सी पावर्स भी चेंज करनी पड़ती हैं। दोस्तों, नकाबपोश एक जगह से दूसरी जगह पर फास्ट मूव कर सकता है, जैसे कि आपके सामने ही खड़ा हो और एकदम से कहीं और चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बालवीर भी करता था, लेकिन दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि नकाबपोश का तरीका उससे बिल्कुल अलग होता है। उसके अलावा नकाबपोश की पहचान उसकी बाइक से है, और दोस्तों जब नकाबपोश किसी से फाइट करना हो तो उसके पास दो तलवारें हैं जिससे वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर सकता है। और दोस्तों, जरूरत पड़ने पर नकाबपोश बालवीर की सारी पावर्स यूज कर सकता है जो कि उसके पास बालवीर के रूप में होती हैं। दोस्तों, नकाबपोश अपने हैंड्स वाली पावर्स से यूज कर सकता है, लेकिन हैमर वाली नहीं। यह दोस्तों बालवीर के पास एक हथौड़ा होता है और वह हथौड़ा नकाबपोश कभी यूज नहीं करता, क्योंकि अगर वो यूज करेगा तो उसे आसानी से पहचान लेंगे। इसलिए नकाबपोश किसी के सामने ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उनको शक हो जाए कि यह बालवीर है। दोस्तों, अगर आप पूछें कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, तो मैं कहूंगा कि दोनों बेस्ट हैं। अगर आप फिर भी पूछते हैं तो इन दोनों में से बालवीर नकाबपोश से ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, इसलिए क्योंकि नकाबपोश बालवीर की परछाई है, और अगर बालवीर नहीं होता तो नकाबपोश भी कभी नहीं होता। और दोस्तों, आपको इन दोनों कैरेक्टर में से देव जोशी किस कैरेक्टर में बहुत अच्छे लगते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्त, काम थोड़ा करके आवाज कम कर लो, एक पर्सनली बात बतानी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी इसकी वीडियो मिलेंगी मेरे चैनल की, और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, ये मेरा वादा है। कर दिया, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं, कोई और सुनना ले हमारी पर्सनल बातें, आवाज़ ज़्यादा कर लें। और दोस्तों, ये वीडियो किसी की कॉपी नहीं थी, तो प्लीज़ आप ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि ये किसी की कॉपी है। मैंने इस वीडियो में टोटली अलग इन्फॉर्मेशन बताई हैं, आज तक ऐसी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।